मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हम लोग एरर पे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक तो ये सिंपल क्वेश्चन पहले कर लीजिए। आप पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में 11th क्लास नीट IIT मेन एडवांस। 3 लेक्चर हो गया है और ये लास्ट लेक्चर है। यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन। स्टार्ट करिए, प्लानिंग बनाते हैं। रिजल्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसका। टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, वो आपका निकालना है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो आप जानते हैं, और ये 10th क्लास में भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा करते थे, और उसमें अगर ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन एक R1 लिखेंगे, आप R2 लिखेंगे, और जब आप इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे, इक्विवेलेंट एक R हो जाएगा। मैंने बताया था रिजल्ट 1/R, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। मैंने आपको बोला था कि लेट ऐसे आप सॉल्व करेंगे, एक्स ले लेंगे R1 प्लस R2, और इसके रिस्पेक्ट में dx बनाएंगे, तो ये साइंस में dR1 प्लस dR2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये है R1, ये है R2, तो 5 प्लस 10 15 हो गया, तो 5 प्लस 10 ये 15 हो गया। dR1 हो गया 0.2, और ये है 0.2 और ये 0.1, तो यहाँ 0.2 प्लस 0.1 ये आ गया 0.3 हो गया। अब ये हम लोग का फंक्शन आ गया ऐसा, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई एक्स का फंक्शन आ गया। अब बनाना बड़ा आसान है, आपके पास x भी है, dx भी है, सॉल्व करते हैं इसको। एक स्टेप जंप करते हैं, क्योंकि आप इतने बार लिख चुके हैं, सो एक स्टेप ऐसे जंप कर लीजिए और यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस साइड लिखेंगे आप dR1 by R1 इंटू 100 प्लस dR2 by R2 इंटू 100 प्लस dx by x इंटू 100। अब आप सॉल्व कर लेंगे। dR1 0.2 100 बाई R1 हो गया 5, 0.1 100, R2 का वैल्यू 10 था, dx का वैल्यू है 0.3 100 15। सॉल्व करिएगा तो ये हुआ आपका 4 प्लस 1 प्लस ये कट गया 32, 7% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आगे भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, और लीनियर मोमेंटम टॉपिक में भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी टॉपिक में भी आ रहा है, आएगा क्वेश्चन आगे, और यहाँ भी एरर वाले टॉपिक में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इफ इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम 5% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए पहले 9th क्लास में फंक्शन बनाते हैं। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½mv2। ये है फंक्शन, आप ऐसे प्लानिंग करिए, काइनेटिक एनर्जी द हाफ,
और एक एम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक एम से डिवाइड कर लीजिए। तो एक एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर देंगे, उससे फायदा हो ये होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये आपका एम भी ही तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम साइंस में एम भी को ही तो बोलते हैं। तो ये एक फंक्शन आ जाएगा आपका पी स्क्वायर, तो आपका ये फंक्शन हो गया और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो। अब आप मैथ लगा सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स आप अगर लगाइएगा, ये कांस्टेंट को तो नहीं यूज करेंगे, तो डी के आर डिवाइड बाई के इज इक्वल टू, ये इस पर मैथ लगाएंगे तो 2 dP/P, जो आप पढ़ चुके हैं एरर में। नाउ 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2, सो dP/P इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। देखिए फंक्शन बन गया, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे ये लीनियर मोमेंटम 5% है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10% हो गया, आंसर आ गया 10%। सो 10%, बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप एरर लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला, ये सब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं, ये सिर्फ स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, ओनली अप टू द 5% चेंजेस के लिए, अप टू 10% भी कर सकते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो मैथमेटिकल एरर एनालिसिस जो पढ़ते हैं, अप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस का मतलब स्मॉल चेंजेस आप कर सकते हैं कि अप टू 10% तक, 10% तक अप्लीकेबल है ये। अगर मैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ये कहना था आपको कि अगर यही क्वेश्चन मैं 23 नंबर में इस क्वेश्चन को 50% कर दूं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, अगर मैं इंक्रीज कर दूं बाय 50% तो आंसर क्या होगा, 125% 50% 125% या 100%, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो सिर्फ छोटे डाटा के लिए लगता है, डाटा बड़ा हो गया 50% नहीं लगेगा। नोट करिए और सॉल्व करने का इसका मेथड मैं समझाता हूँ। फंक्शन तो बना लीजिएगा, फंक्शन तो यही रहेगा, अब मैं समझाऊं आपको, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा और अब आगे मैं बताता हूं आपको कि लिखा हुआ कि इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 50%, इसका मीनिंग समझिए, ठीक है। नाउ गिवन, ये ध्यान रखिएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, या छोड़ दीजिए ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। रुकिए यहाँ पे देखिए, गिवन जो लीनियर मोमेंटम पी टू है वो स्टार्टिंग का आप 50% से बढ़ा रहे हैं, 50/100 ऑफ पी वन, गिवन है, गिवन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 50%, मतलब जो फाइनल मोमेंटम इनिशियल का 50% से बढ़ाना है आपको, मीनिंग पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस 1/2 p1, मतलब पी टू इज इक्वल टू 3/2 ऑफ पी वन, ये है, मतलब पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू 3/2, ये ऐसे समझना। नेक्स्ट, अब आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी को देखिए, देखिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर मैं के टू और डिवाइड बाई के वन लिखूँ, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे पी टू
डिवाइड बाय पी वन का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। रुकिए तरीका देखिए, के टू बाई के वन, पी टू बाई पी वन, पी टू बाई पी वन का स्क्वायर ये है 9 और डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट, इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसके आगे देखिए, के टू बाई के वन, अपने मन से एक घटा लीजिए, 9/4 माइनस वन, अपने मन से एक घटाइए, उससे क्या होगा, उससे होगा कि ये के टू ये सॉल्व करेंगे माइनस के वन बाई के वन हो जाएगा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 5/4। देखिए ये टर्म हो गया ऊपर में डेल्टा के, नीचे में इनिशियल के हो गया, आप मल्टीप्लाई करें 100 से, 100 मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज़ है, 100 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 500/4% आंसर हो जाएगा 125%। देखिए ये आंसर आ जाएगा, सो 100 नहीं आया बल्कि 125% आ गया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वही क्वेश्चन है, उसी को उल्टा मैंने कर दिया, यहाँ भी मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, वो जो मैथ का जो फॉर्मूला है परसेंटेज वाला नहीं लगाना है, वो स्मॉल चेंजेस के लिए है, ये तो 100% बिग चेंजेस है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो 100% से इंक्रीज कर रहे हैं, देन एरर इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखिए यहाँ लिखेंगे, गिवन मोमेंटम पी टू जो है वो इनिशियल मोमेंटम का 100% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब पी टू इज इक्वल टू टू पी वन, ये गिवन है। ठीक है, अभी आपने बनाया था, अभी फंक्शन आपने बनाया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m और इनटू लीनियर मोमेंटम पी स्क्वायर, ये फंक्शन अभी आपने बनाया था ना, अब इसी से प्लान कर लीजिए, इससे प्लान करिएगा, अगर के टू और डिवाइड बाई के वन इज इक्वल टू, सो पी टू बाई पी वन का स्क्वायर, पी टू बाई पी वन का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मेथड वही है, वही मेथड, आंसर 300% पता चल रहा है, के टू बाई के वन, आप इसमें से एक घटा लेंगे, इधर से भी 4 में से एक घटा लेंगे, नाउ ये हो जाएगा के टू माइनस के वन बाई टू के वन, ये हो जाएगा 3, बाकी 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये है डेल्टा के और नीचे में काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 300% हो गया। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान ही है क्वेश्चन आपका। सो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, एक वायर है, सो डेंसिटी इज अ मास बाय वॉल्यूम, तो आप जानते हैं डेंसिटी और मास वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हुआ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द लेंथ, ये हो गया, पाई कॉन्स्टेंट है और जब आप फंक्शन बनाएंगे एरर के लिए तो डी रो डिवाइड बाय रो इनटू द 100%, ये पाई तो कांस्टेंट है, मास के लिए बना लेंगे डी एम बाई एम, आर के लिए करेंगे 2 डी आर बाई आर, प्लस एल के लिए करेंगे डी एल बाई एल, ये है फंक्शन। देखिए आप जानते हैं ये L है और ये फंक्शन हो गया DL हो गया, बाकी ये R है DR हुआ, मास DM हो गया, सॉल्व करते हैं।
सब तो 1-1%, ये है 1, ये 2 हो जाएगा, 4% आर आंसर। तमाशा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेन का, ये डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैथमेटिक्स जरूरत पड़ेगा। मैथ में एक या दो क्लास में स्टार्ट करूँगा, पहले ग्राफ में डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये करेंट है, वोल्टेज है, टेम्परेचर है, और एक फंक्शन लिखा हुआ ई आई ई पे पावर 1000 वी बाई टी माइनस 1। एरर इन वोल्टेज लिखा हुआ है, करंट का वैल्यू 5 mA है, टेम्परेचर है, और एरर इन करंट चाहिए, डीआई चाहिए, वो भी मिली एम्पेयर यूनिट। चलिए थोड़ा सा मैथ आपको सिखाऊं मैं पहले। देखिए अगर यहाँ पे वाई वाई इज इक्वल टू, ध्यान रखिए ई पे पावर एक्स रहेगा ऐसे, तो मैथ मैथ बड़ा आसान है। अगर आप डीवाई पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रहता है और डीएक्स होता है। ये एक छोटा सा मैथ, बहुत सिंपल सा, ये आप मैथ स्टार्टिंग में ही आपको 11th क्लास में पढ़ना है, मैं भी सिखा दूंगा। बट देखिए अगर वाई इज इक्वल टू ई पे पावर, अगर कोई ए इंटू एक्स रहेगा ऐसे, तो अगर डी वाई लिखेंगे डी वाई, तो सबसे पहले एक बाहर निकाल दीजिए, ए ए बाहर निकाल दीजिए, और वो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ई पे पावर ए एक्स और इंटू द डी एक्स, ऐसे लिखना होगा। जो कांस्टेंट है ए, एनी कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट जो नंबर है वो नीचे उतर जाएगा, और यहाँ पे ए इंटू एक्स वही रहेगा और डी एक्स हो जाता है। ये मैथ है, बड़ा छोटा मैथ है ये, आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। आज आपका फंक्शन है देखिए आई ई पे पावर 1000 बाई टी, ये कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, और माइनस 1 ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड, समझिए अगर डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड में, ये नया है देखिए, ये चीज नया है, हाँ आपके लिए ये नया है, जो मैं कुछ क्लास मैथ कर लूँगा जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ये डीआई हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल है, अभी मैंने बताया कि ई पे पावर ए एक्स, ये ए है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1000 बाई टी, ये ए बाहर निकल आएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए, ई पे पावर 1000 बाई टी इंटू वी, बगल में यहाँ डी भी आ जाएगा, ठीक है, और माइनस और कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी इंटू 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह आपको डी आई जो मुझे निकालना था, डी आई इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1000 बाई टी, ये पता है मुझे, डी भी ये भी पता है मुझे, और ये नहीं पता है ई पे पावर 1000 बाई टी इंटू वी, ये नहीं पता है हम लोग को, इसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं सोचूँ, इस जगह से सोचूँ कि अगर इस इक्वेशन से, जो स्टार्टिंग इक्वेशन चाहे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मैं सोचूँ, तो ई पे पावर 1000 बाई टी इंटू वी के बारे में सोचो, तो ये मस्ट बी इक्वल टू आई प्लस 1, ये 1 को इधर कर दीजिए, आई प्लस 1। अब तो आपका सब चीज रेडी है, अब तो आपका फंक्शन, यही एक नया मैथमेटिकल फंक्शन था जो आपको जानना था। तो आई टी मेन का क्वेश्चन, अब देखिए डी आई यही चाहिए था, 1000 बाय टेम्परेचर ये नोन है, डेल्टा वी जानते हैं हम लोग, ये जो पूरा टर्म है इसके टर्म के जगह पे
आप लिख सकते हैं आई प्लस वन, ये भी पता है हम लोग को। आप चलिए पुट करते हैं, 1000 टेम्परेचर कांस्टेंट, 300 0.01, आई का वैल्यू 5 मिली एम्पियर प्लस 1 6 मिली एम्पियर रहने दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, दो जीरो यहाँ पे कट गया, 3 कटा यहाँ पे 2, सो ये 10 चेक करिए, 0.2 मिली एम्पियर को आंसर है। आप चेक करिए 0.2 मिली एम्पियर, यस आंसर हो गया ए। तो ये आईटी मेन का डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एडवांस का, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, यहाँ भी मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स मैं समझाता हूँ आपको, और नया होगा तो आप यहाँ पे अभी नोट करेंगे, जब मैथ आप पढ़ लेंगे तो बड़ा आसान आपको लगेगा। सो ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आता, एम्स और नीट के बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखिए फंक्शन एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो exp लिखा हुआ ना एक्चुअली एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब आपको लिखना है ई पे पावर माइनस अल्फा आर इंटू टी, ऐसे इस तरह से लिखना। अच्छा अब इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है आपको, क्योंकि एरर मिलाना है और परसेंटेज एरर, क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन ई, तो डी ई आर बाई ई, और हमें इस फॉर्म में इसको लाना है, हेल्प लेना होगा मैथ का। कैसे है मैथ का हेल्प लें, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग यूज करते हैं, तो ऑन द बेस ई आप लॉग ले लीजिए और प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करेंगे, यहां लॉग ई ऐसे यूज करिए, ये देखिए लॉग ए इंटू बी, तो इसका मतलब हो गया लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी। नेक्स्ट यहां देखिए ये टू नीचे आ जाएगा, टू लॉग ई ए, ये भी नीचे आएगा माइनस अल्फा इंटू टी और लॉग ई इंटू ई, अगर बेस और ये नंबर दोनों सेम हो जाए तो ये इक्वल टू वन, वन के बराबर हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, और यहाँ पे लॉग ई ऐसे यूज करना है इज इक्वल टू माइ टू और लॉग ई इंटू ए माइनस अल्फा इंटू टी, अल्फा तो कॉन्स्टेंट है। अब देखिए आप समझिए यहाँ पे, ठीक है अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, समझिए यहाँ पे बोथ साइड, देखिए अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं समझिए, आपका अगर ये मैथमेटिक्स में ऐसे समझिए y इज इक्वल टू और log और e और x है, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होता है 1 बाई एक्स, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और बगल में आता है dx, ऐसे ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये एकदम सिंपल स्टार्टिंग मैथमेटिक्स है ये सब। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब हुआ 1 बाई ई और बगल में आ जाएगा de, और यहाँ पे 2 रहने दीजिए, इसका आ जाएगा 1 बाई ए और da, अल्फा कांस्टेंट है रहने दीजिए, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंशिएशन dt। देखिए ये मैथ है, रुकिए ये मैथ है, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एरर नहीं, एरर ध्यान रखिए यहाँ पे गलती होता है, कई लोग इसी तरह लिख के चले आते हैं, जबकि एरर के लिए पढ़ेंगे आप, ध्यान रखिएगा आप पढ़ रहे हैं फॉर एरर, अगर आप एरर के लिए पढ़ेंगे तो एरर में कभी भी टर्म निगेटिव नहीं हो सकता,
ये मैथ है, मैथ ठीक है, आप पढ़िए मैथ से हेल्प लीजिए, बट जब आप एरर का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखिए डी ए बाई ए लिखना है यहाँ पे, सॉरी डी ई बाई ई, और यहाँ पे लिखना है टू डी ए बाई ए, ये सही है ऐसे, बट जब एरर पढ़ेंगे तो एरर कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एरर के लिए पढ़ना है तो ये ऐसे कर लीजिएगा अल्फा इंटू टी ऐसे। रुकिए अभी अभी और अच्छे से रीअरेंज करने दीजिए और बढ़िया से, लास्ट लाइन देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन 100 ठीक है, ये निकालना है टू लास्ट लाइन 100+, ध्यान रखिए अल्फा, देखिए फिर से, और सॉरी अल्फा यहाँ डी टी है ना, डी टी प्लीज वही मैं सेट करने दीजिए, डी टी है ना डी टी, ठीक है रुकिए सेट करने दीजिए, तो मैं ऐसा सेट करना चाह रहा हूँ कि डी टी और मल्टीप्लाई बाय टी, और यहाँ पे मैं 100% कर दूँ, और अपने मन से यहाँ पे अल्फा अल्फा और उसके बगल में एक टी भी लगा दूँ, टी और टी कट जाएगा वही चीज़ आ जाएगा, टी टी कट गया वही चीज़ आ गया, अब आपके पास सब चीज़ मिल गया, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, टाइम लिखा हुआ, बना लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं, अल्फा 0.2 है, सो 2 एरर इन ए 1.25 प्लस 0.2 टाइम 5 सेकेंड, एरर इन टाइम 1.5, सॉल्व कर लीजिए, यह है 2.5% प्लस 1.5% 4%, यह है एरर। एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, सो ये एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये लास्ट हम लोग क्वेश्चन एरर के लिए, सो एक फॉर्मूला दिया लिखा हुआ फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड, और कैपिटल आर का वैल्यू लिखा हुआ है, स्मॉल आर लिखा हुआ है, और टाइम पीरियड के लिए 5 डिफरेंट टाइम लिखा हुआ आपका, एरर इन आर, एरर इन टी, एरर इन जी चाहिए। चलिए आसान है क्वेश्चन, समझिए, नंबर 1 सबसे पहले ये जो रेडियस लिखा हुआ है ना, ये स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर रेडियस लिखा हुआ है वो है 10 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, आप जानते हैं कि ये वैल्यू आर होता है और ये वैल्यू डी आर होता है, तो एक तो आंसर तुरंत यहीं पे बन जाएगा कि एरर, एरर इन आर, ये आप जानते हैं कि ये डी आर हुआ और डिवाइड बाय आर, और परसेंटेज में लिखा हुआ है तो इतना कर लेंगे, ये वैल्यू 1 और डिवाइड बाय 10 और इनटू द 100%, तो एक तो आंसर आ गया कि ये आंसर है 10%। एक क्वेश्चन बना हो गया, एक ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, दूसरा ये क्वेश्चन तो एम्स का क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन 5 टाइम है और हम लोग लेक्चर 2 में स्टार्टिंग में पढ़े थे क्वेश्चन, कि सबसे पहले जो टाइम पीरियड है उसमें एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू आप निकालेंगे, तो मीन वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे T1 T2 T3 T4 और T5 ऐसे लिखेंगे, और डिवाइड बाय आप नीचे लिखेंगे ऐसे 5 इस तरह करेंगे, और जब आप डाटा कैलकुलेट करेंगे जीरो तीनों का डाटा कैलकुलेट करिएगा, तो मैं कैलकुलेट किया था 0.556 आता है, और आंसर आता है इन सेकेंड में, एक बार रिचेक कर लेता हूँ 0.55 क्योंकि मैं कैलकुलेट किया था अभी सॉल्व किया था 5.6 है ठीक। फिर हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा टी बार जो आया था, जो मीन मीन एब्सोल्यूट एरर जो पढ़े हुए थे, वो हम लोग पढ़े हुए थे कि डेल्टा टी वन
मैग्नीट्यूड में लेना है डेल्टा टी टू, मैग्नीट्यूड मॉड लेना है डेल्टा टी थ्री। ये एम्स का क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं क्लास में, प्लस डेल्टा टी फाइव डिवाइड बाई फाइव मॉड लेना है। जहाँ पे लोग बोलते हैं ये डेल्टा टी वन क्या है, तो आप जानते हैं डेल्टा टी वन जो ये टी बार हुआ माइनस टी वन निकालना है, और वो भी मॉड लेना है आपको। ये ऐसे ही डेल्टा टी टू चाहिए, तो डेल्टा टी टू आप पढ़े हुए हैं, टी बार माइनस टी टू करिएगा। सो टी बार आपको निकला हुआ है, टी वन टी टू जानते हैं, ये टी वन टी टू सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पे ये आया था मेरा आंसर 0.02। उसका आगे भी डिजिट है, 0.0208 आया था, तो इतना ही रखिए, इतना तक रखिए। इस तरह आपको मैंने बताया था कि इन दोनों डाटा निकालने के बाद, ये लेक्चर वन में स्टार्टिंग में ही एरर के फर्स्ट ही मैंने डिस्कस किया था, और ये एम्स का क्वेश्चन भी था, हम लोग डिस्कस किए थे। इस तरह आपको टाइम पीरियड प्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड जो प्रेजेंट करना हो तो टाइम पीरियड को प्रेजेंट करने का तरीका ये है। आपका आंसर है 0.556 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड। ये रिप्रेजेंट करता है आपको टी को, और ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी को। अब तो एरर मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, एरर इन टाइम पीरियड अब तो बना लीजिए। सो एरर इन टी डेल्टा टी बाय टी इंटू 100%, सॉल्व कर लीजिए, 0.02 बाई 0.556 इंटू 100%, सो 2 डिवाइड बाई 0.556, सॉल्व करने दीजिए, 2 डिवाइड बाई 0.556, यस 3.59 है ना, 3.75 है, एक बार फिर से चेक करने दीजिए, 0.2 या 2 हो गया, डिवाइड बाई 0.55, ठीक है आपका 3.75 के क्लोज आ रहा है, आपका आंसर में है 3.75। इसको देख रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ 0.56 लिखा हुआ है, क्योंकि दो डिजिट में करेंगे तो 0.56 कर लीजिएगा, नियरली 0.56 है, सो ये 0.56 कर लीजिएगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर में लेके चलिएगा, तो ये है 3.75%। तो आंसर ये चेक करेंगे, एक आंसर ये भी आएगा। अब आपका बच गया क्या, एरर इंची, जी में एरर निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं। वो वीडियो आ रहा है ना, मैं एक बार चेक करता हूँ, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, देखिए अब ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अब ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए एरर इन जी, चलिए प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। आप स्क्वायर कर लेंगे तो इसको, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4π² 7, यहाँ है 5g R - r, ये हो गया। यहाँ से g बाहर निकालिए, g ये सब सारे टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हटा लेंगे, 28 पाई स्क्वायर बाई 5R - r डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। वो टर्म जो है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये जी तो रहने दीजिए, और ये सब तो कांस्टेंट है, 28 पाई स्क्वायर बाई 5 ये कांस्टेंट टर्म है, और इसको आप ना एक्स मान लीजिए टी स्क्वायर, ठीक है, साइड में वर्क कर लीजिए, साइड में ऐसे वर्क कर लीजिए,
एक्स का मतलब क्या है? तो एक्स का मतलब हुआ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और डीएक्स का क्या मतलब होता है? एरर जब लेंगे तो एरर लेते समय ध्यान रखिएगा, एरर लेते समय ऐसे लिखना पड़ेगा, एरर नेगेटिव नहीं होता। अब कैपिटल आर 60 और स्मॉल आर 10, तो 60 माइनस 10 ये तो 50 हो गया, 60 माइनस 10 50 50, और यहाँ पे डीएक्स करेंगे सर, डी आर, डी आर कितना हो गया 1, अब प्लस 1 1 प्लस 1 ये 2। ठीक, अब चलिए सेट तैयार करते हैं, एरर का आप जानते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी जी बाई जी और 100% कांस्टेंट, कांस्टेंट को नहीं यूज करना है, ये लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स 100% और टी स्क्वायर प्लस लिखना है, और 2 यहाँ लिख सकते हैं डी टी बाई टी 100%। चलिए पुट करते हैं, डी एक्स पता है, एक्स पता है, डी एक्स 2 हुआ, एक्स है 50, ये वैल्यू अभी निकाले आप, अभी आपने बनाया ना 3.75। प्लस 6 7.5 11.5% नियरली, अब कर सकते हैं 11% नियरली, नॉट एग्जैक्टली, तो सॉल्व कर लेंगे। सो एरर इन जी, जी भी नियरली द 11% आ रहा, तो ये हो गया एरर, एरर में ये था आपका। तो अब आप कंप्लीट करिएगा एक क्वेश्चन, तो एक भी डाउट नहीं होगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और मैथमेटिकल एप्लीकेशन।